फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि रात में हम देर से सोए थे। सो मैंने कहा चलिए आप लोग से मिल लूँ, और आज आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ मैं। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये फूल बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे का भी नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। रात को बारिश हुई थी, इनफैक्ट सुबह भी हुई थी, पर अभी खुल रहा है मौसम, देख सकते हैं। मेरे प्लांट्स भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी बीच में लगाया था और यहाँ पर सब मेरे अच्छे चल रहे हैं पौधे। ये भी मैंने कुछ एक गमले शिफ्ट करे हैं, इधर का उधर किया, उधर का इधर किया। ये वाला गमला खाली था तो इसको मैंने इसमें कर दिया, और जो इस ये वाला था वो मैंने इसमें कर दिया, तो इस तरह हो गया। ये वाला मेरा पौधा बहुत अच्छा चल रहा है, दिखाओ मैं इधर से सामने से। ये देखिए ये वाला, प्रभु एक और ले लूं बस एक ग्लास। दोस्तों मैं उठ चुका हूं और अभी बबीता सो रही है, और इससे पहले मैं उनको उठाऊं, क्यों ना चाय के साथ में मैं उनको उठाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर चाय ही बनानी आती, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। और ये देखिए मैंने चाय चढ़ा दी है, और इसमें मैंने क्योंकि 2 कप बनाना है तो 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है, और ये मैंने अदरक तैयार रखी है, और अदरक डाल दूंगा तो थोड़ा सा ये कि गले के लिए अदरक अच्छे होते, वैसे भी बिना अदरक के चाय में मज़ा भी नहीं आता है। और इससे पहले कि ये उबाल आए मैं चाय की पत्ती भी डाल देता हूँ ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। और बाहर बारिश हो रही है, आज काफ़ी दिन बाद बारिश हुई, वरना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और इधर पार्टी हो रही है। पार्टी की हो रही तो तैयार, चाय तैयार नहीं, पार्टी की तरफ से हो रही। एक तरह से आपके लिए तो पार्टी है क्योंकि आप चाय प्रेमी हो। अरे बहुत, कहीं चाय मिल जाए तो लगता है कि हाँ जैसे अमृत मिल गया। और ये अभी चाय में उबाल आया नहीं है, दूध आपके स्वाद अनुसार, नहीं स्वाद अनुसार नहीं, अंदाज। बबीता का किचन वो नमक स्वाद अनुसार सुन सुन के कानों में बसा हुआ है। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, इसमें उबाल आ जाए, फिर मैं दूध डाल के थोड़ा उसको उबालूंगा, फिर शक्कर अलग से कप में डाल लेता हूँ क्योंकि बबीता को शक्कर नहीं चाहिए होती, तो उसको मैं शुगर फ्री डालूंगा और अपने में शक्कर अलग से ले लूंगा। तो शक्कर पूरी बनती हुई चाय में नहीं डालता, या कभी ढेर से लोगों की चाय बन रही है गेस्ट आए में तो मैं अलग अलग कप में मिलाने में अच्छा अंदाज से चाय डाल चीनी डालता हूँ, पर उससे पहले 1 कप पहले चाय बनने के बाद में 1 कप चाय निकाल लेता हूँ बबीता की अलग, ताकि उसमें शुगर फ्री डाल दूँ, फिर बाकी मैं स्वाद अनुसार शक्कर डाल देता हूँ ताकि सबको ये सही आएगा। और ये देखिए दोस्तों, और जैसा मैंने इसमें पत्ती डाली थी, और हम देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें उबाल आ रहा है, और अरे ये कमेंट्री नहीं है, ये चाय उबलने लगी है। और अब मैं इसमें ये देखिए ये मैंने दूध डाल दिया ताकि चाय और अच्छी बन जाए ना, दूध डालने से चाय अच्छी बनती ही है। और इसके बाद में मैं बबीता के लिए ये वाला कप मैंने रखा था कि कभी कभी शक्कर की चाय में मिक्स ना हो जाए, तो ये वाला कप है जिसमें मैं
दो गोली अभी किधर अटक गई, आई ये देखिए दो गोली है, ये मैं डाल देता हूँ शुगर फ्री की, और इसमें शुगर फ्री और इसमें फ्री की शुगर और अब मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा उबाल और आ जाए, फिर हम इसको गर्म गर्म परोसते हैं, गर्म गर्म ही पीते हैं, ठंडी तो कभी पिएगा नहीं, फिर हम पिएंगे और बबीता को उठाते हैं। चाय 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 तो मैडम चाय मैडम चाय मैडम 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 चाय किस, अरे उठो भाई शाम हो गई, मैडम चाय चाय दीजिए। से हेलो टू द व्लॉग, स्टेशन आ गया, उठो उठो स्टेशन आ गया, उठो लेट के पीने बैठ के पीने लेट के पीने सर दर्द हो रहा है। ये है आपकी शुगर फ्री और ये मेरी फ्री की शुगर। सो फ्रेंड हमारी चाय हो गई है और अब मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके कुछ आपको बताना चाहती हूँ। आज एक्चुअली इन्होंने चाय जैसे बनाई वो मैंने अभी देखी क्लिप और मुझे याद आई मेरा छोटा भाई है जो दिल्ली में है, उसका भी व्लॉगिंग चैनल है ऑल इंडिया व्लॉग विद घनिष्ठ। मेरा छोटा भाई है वो दिल्ली में ही रहता है और उसने बहुत पहले कहा था कि जिया जी बबीता के किचन में अपनी चाय की रेसिपी डालो क्योंकि इनको चाय के सिवा कुछ और नहीं आता बनाना। तो उसने ऐसे मस्ती में कहा था, मुझे नहीं पता मैं सो रही थी, इन्होंने चाय बड़े मतलब जैसे मैं बनाती हूँ बबीता के किचन में उस टाइप से बनाया। उसका घर का नाम हनु है, तो हनु ये व्लॉग देख लेना और जैसे तेरे जीजा ने चाय बनाई है तू भी ट्राई करना क्योंकि तू सबसे ज़्यादा परेशान था भाई इसके लिए बना दिया है। सो फ्रेंड्स मेरे भाई के चैनल को भी देखा करिए आप लोग और उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए, घनिष्ठ नाम है ऑल इंडिया व्लॉग्स विद घनिष्ठ। उसको भी देखेगा आप सब। आज की चाय हमारी हो गई है जैसे मैंने आपको दिखाया, तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से चाय बनाई है, अगर आपको ये चाय पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी मेरी चाय बहुत अच्छी लगी। सो फ्रेंड अब मैं ये हटा रही हूँ, देखिए वाओ कितना बढ़िया कलर आया है और नज़दीक से दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें गार्निश के लिए हरी धनिया छोड़ूंगी। हमारा चिकन करी तैयार हो चुका है तो हमारा डिनर रेडी है, तो चलिए डिनर करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स हमारा डिनर हो चुका है और मैंने आज दोपहर को बहुत सारा तेल चपोड़ा था आप देख रहे होंगे और मुझे इसे वॉश करना है, फिर अब हम नहाएंगे और नहा कर हम सो जाएंगे, फिर हमारी मुलाकात आपसे सुबह होगी। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।